छोटे छोटे बच्चे, कौन सी क्लास के हैं मम्मी? क्लास के। देखिए ये कैसे पैकेट कैसे पैक करा है। ये छोटे से बच्चे ने किया है मतलब। हैप्पी बर्थडे माय डियर, यू आर माय स्पेशल फॉर एवर। तो यार अब मैं मम्मी को लेके आता हूँ और मम्मी पापा भैया भी आ चुके हैं, है ना। मतलब सही है, एक्साइटेड सा लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज का जो सीन रहने वाला है, आज है मेरी मम्मी का बर्थडे और आज एक चीज़ और भी है, मेरा मेरी मम्मी का व्रत है। तो हम सब लोग मिलके क्या करेंगे आज? सेलिब्रेट करेंगे। अब केक तो काट नहीं सकते, तो क्या करना होगा, केक का कुछ ऑल्टरनेटिव निकालना होगा। तो मैंने पापा को बोला है कि पापा आप ना मिल्क केक लेके आ जाओ, तो उसका मैं कुछ केक टाइप्स बनाऊँगा, मतलब कुछ भी इस तरीके से कि वो केक का लुक लगे। बाकी मैंने भैया को बोल दिया कि भैया आप भी आ जाना। बस अब एक सीन ये है कि मम्मी को नहीं पता इस बारे में, मम्मी के लिए सरप्राइज़ रहेगा। मम्मी अभी गई हुई हैं स्कूल और मैंने आज भाई घर पे ही रह के ये वाले काम निपटाने हैं कि कैसे भी करके बर्थडे जो है वो स्पेशल बनाना है। सो गाइस, सबसे पहले मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ कि एडिटिंग कर लेता हूँ। एडिटिंग करने से क्या होगा कि भाई अपना जो काम है ये वाला तो निमट जाएगा, और आज जब भाई घर पे हैं तो इस काम को करना ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये काम भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। पापा मिल्क केक ले आओ। मिल्क केक ला रहा हूँ। हाँ, एक किलो बहुत रहेगा, दो किलो? एक किलो ही बहुत है। एक किलो बहुत रहेगा। मम्मी का केक बनाएंगे उससे है? मम्मी का केक बनाएंगे उससे। केक बनाओगे? हाँ, आज व्रत है ना। अच्छा, तो इसलिए खा नहीं सकते। तो केक तो बना बना आ जाएगा। पर आज व्रत है ना पापा, तो व्रत में केक नहीं खा सकते ना, तो मिठाई खा सकते, तो इसलिए मिठाई का केक बनाएंगे। तो लादूंगा खुरचल वाली बर्फी। मिल्क केक अच्छा लगेगा, वो मोटा मोटा होता है ना, तो सही लगेगा। वो बेकार है, मलाई वाली आवे खुरचल की बर्फी, उससे वो ऐसे केक वाला डिजाइन नहीं बन पाने का, इसलिए कह रहा हूँ। उससे बढ़िया बनेगा केक वाला डिजाइन। अरे नहीं बन पाने का पापा, इसलिए बढ़िया बनेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, मिल्क केक अच्छा ना लगता। अरे पता है मिल्क केक कितने बड़े बड़े होते हैं? हाँ ना, अच्छा लगता। एक के ऊपर एक जाएगा, वो भी ऐसे बड़े बड़े पीसों में है। अरे नहीं, तो गाइस फाइनली मुझे ही जाना पड़ेगा मिल्क केक लेने के लिए। पापा ने तो मना कर दिया, अभी तो कहते कि चला जाऊंगा, लेकिन फिर सीन क्या हुआ उनकी ये हो गई कि भाई वो खुरचन वाली मिठाई विठाई कुछ कह रहे थे, तो इस बात पे कहने लगे जा तेरी जो मर्जी तू लेके आ जा, मैं लेके नहीं आ रहा। तो चलो मैं ही लेने चल रहा हूँ यार। तो दोस्तों फाइनली मैंने केक तो लेके आ गया, मतलब मिल्क केक, उसमें भी केक आता है ना। अब क्या है, ये आस्था जो, ये जो आइडिया था ना, ये आस्था का था। आस्था ने मुझसे कहा था कि भैया आप एक काम कर सकते हो, व्रत में मिल्क केक काट सकते हो। तो बस अब इसका केक बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यार केक तो मैंने प्रिपेयर कर लिया है और आपने देखा भी होगा, अब बस वेट है मम्मी का। और मम्मी पापा और भैया को मैंने कॉल कर दिया है, तो हम सब मिलकर मम्मी का बर्थडे जो है ना वो सेलिब्रेट करेंगे। और एक चीज़ और है, मम्मी के लिए आज सरप्राइज़ गिफ्ट भी है, तो सरप्राइज़ गिफ्ट भी तभी खोलेंगे उन्हीं के सामने। और मम्मी के लिए सब कुछ ये अनएक्सपेक्टेड है, मतलब मम्मी को ना केक के बारे में पता, ना मम्मी को गिफ्ट के बारे में पता। तो मैंने मतलब कोशिश करा है कि इस तरीके से थोड़ा सस्पेंस सा रखा जाए, जिससे कि मम्मी थोड़ी खुश हो जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। क्या बात, आज तो मम्मी का बर्थडे है। थैंक यू। और बढ़िया। तो गाइस देखो, बच्चों ने, मम्मी के स्कूल के बच्चों ने मम्मी को क्या क्या गिफ्ट दिए हैं। ये दिए हैं बेचारे अपने पास से, छोटे बच्चे हैं बेचारे। मैं तो कहूँ जो भी प्यार से लिया है मेरे का बेटा, ये तो कोई जरूरत नहीं थी। देखना अपने प्यार से कैसे कैसे, पता नहीं क्या क्या पेन पैकिंग। देखो बच्चों की भी सुंदर लगती है, कितने प्यार से। छोटे छोटे बच्चे, कौन सी क्लास के हैं मम्मी? सिक्स क्लास के। देखिए ये कैसे पैक करा है। ये छोटे से बच्चे ने किया है, मतलब नाइस यार, क्रिएटिव। तो मच चॉकलेट्स दिए हैं, पेन दिया है। हाँ भाई, टीचर के लिए पेन तो मस्ट है। ये देखो पेन ही होंगे। हाँ वैसे तो सब में पेन। अरे कितना प्यारा सा लग रहा है, क्यूट सा। क्या है इसमें? ये तो बहुत ही क्यूट सा लग रहा है।
अच्छा तो मेल्ट हो गई, चलो गर्मी बहुत हो रही है ना। पापा देखो कितने सारे गिफ्ट दिए हैं मम्मी को। ये बच्चे बढ़िया रहे हम सब हैं। एक बच्चा गेट के बाहर हाँ कह रहा है कि स्कूल नहीं आया। हाँ मुझे मैम का बर्थडे है, मुझे अंदर जाने दो, मुझे मैम का बर्थडे है, मैम का बर्थडे है। ये ऐसे अब वैसे स्कूल की छुट्टी मार रखी है। पेरेंट्स के साथ में आया, केक वगैरह लेके गिफ्ट लेके आया। हाँ कि नहीं आज मेरी मैम का बर्थडे है, मुझे बाद में याद आया। अच्छा बाद में याद आया होगा स्कूल जाने के लिए। मैं कहा नहीं बेटा, ऐसे गेट से बच्चों से ये अच्छा लगता है ना गिफ्ट लेना। अब ये तो रोने लगे, तो ये था कि चलो पेन मैंने ले लिया। फिर मैंने टॉफी खिलाई, मैं हमारी टॉफी खाए। हाँ तो मैं सुबह ही आज टॉफी का पैकेट ले गई थी। तो फिर सारे बच्चे क्लास के, हर क्लास में सबको याद था। अच्छा मैम हमारी खाए, हमारी खाए, मतलब बच्चों को बर्थडे याद था आपका। पता नहीं कैसे। मैंने कहा बेटा 4000 बच्चे हो। हाँ तुम तो एक क्लास में टॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर, तो मैं 4000 तो कह रहे मैम एक काम करो 10% पे हमारा हर नंबर बढ़ा दो, हमारा वही रिवार्ड हो जाएगा। अच्छा वाह भाई वाह, 10% नंबर बढ़ा दो, देख रहे हो। ये एक बच्ची है देवांशी फ्रॉम 6D, रोल नंबर भी लिख रखा है, रोल नंबर 15। अरे बहुत प्यारे बच्चे हैं। और ये क्या है, ये पता नहीं ये क्या है, देख रही हूं। अरे वाओ, ये पूरा हैप्पी बर्थडे माय डियर, यू आर माय स्पेशल फॉर एवर। वेलकम वेलकम वेलकम। बस 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 बस, मम्मी को पता नहीं अभी, कह रही है कोई केक लेके आ रहा है क्या। मैंने कहा हाँ व्रत है, आज मम्मी का भी व्रत है, भैया का भी व्रत है और मेरा भी व्रत है। तो यार अब मैं मम्मी को लेके आता हूँ और मम्मी पापा भैया भी आ चुके हैं, है ना। मतलब सही है, एक्साइटेड सा लग रहा है। और आपको पता ही है केक कैसे बनाया था, तो चलो मम्मी का भी देखते हैं और मम्मी का केक कटवाते हैं। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, केक ला के रख लेता हूँ। आपको एक बार पास से और दिखा देता हूँ, ये है केक, है ना। अब लेके आता हूँ मम्मी को, ये मैंने यहाँ रख लिया, नाइफ भी रख लेता हूँ। ये रही छुरी, तो भाई छुरी वाली हो गया, चलो आते हैं। आओ मम्मी 2 मिनट बाहर आ जाओ, आओ भैया आओ, 2 मिनट आओ, आ जाओ, आओ भैया, पापा 1 मिनट बाहर आ जाओ, आओ। वेलकम वेलकम पापा, आओ। आज भैया स्पेशल केक लेके आए हैं, जल्दी आ जाओ। अभी ने बनाया आंटी है, स्पेशल केक लेके आए हैं। किसने बनाया, भावना ने? अभी ने। अच्छा किस चीज का होता, मिल्क केक का होगा। तभी सुबह पूछ रहा था ये मेरे से स्पेशल व्रत में मिल्क केक खा सकते हैं क्या। अच्छा सर वीडियो सेट कर रखी है। आय राम आंटी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू हजार सर। हैप्पी बर्थडे टू यू, नहीं उनको मेरा फास्ट है। बर्थडे ना आपका, पापा मम्मी को केक खिलाओ। अरे बढ़िया आ जाओ, आपके सामने आ जाओ। बच्चा चश्मा दादा ने, पापा चश्मा चश्मा दादा ने खा लो थोड़ा सा, ना खा लो अंकल, हम खाओ खाओ आप खाओ पापा, मेरा दूध हाथ से प्यार पड़ेगा खाना। क्या यार को मिली, बहुत सुंदर तो गाइस बर्थडे बहुत बढ़िया बन गया और मम्मी जो है वो खुश भी हो गई, ठीक है।
दोनों ही चीज़ मम्मी के लिए अनएक्सपेक्टेड थी। और सबसे मेन जो मम्मी को स्कूल से गिफ्ट्स मिले हैं ना, तो उसको भी मम्मी के लिए सब मतलब ऐसे ही था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि बच्चे बच्चे का क्या ही पता होता है, ऐसे कुछ होता है ना। हाँ तो बस ये होता है। तो चलो भाई, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, आप बर्थडे में शामिल हुए, ठीक है। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का बर्थडे स्पेशल व्लॉग था मम्मी के बर्थडे को लेके, तो बहुत अच्छा लगा आप सब लोग साथ में हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।